आइए, बहुत बढ़िया डीआईए, बहुत जबरदस्त डीआईए, मजा आएगा करने में। बार ग्राफ ठीक, बहुत बेहतरीन डीआईए। कहना चाह रहा है कि बार ग्राफ में क्या गिवन है, द बार ग्राफ बिलो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड डिफरेंट चर्चेज इन द मंथ ऑफ नवंबर 2019। बोल रहा है कि नवंबर 2019 में जो लोग चर्च पे गए उनके बारे में डेटा गिवन है कि चर्च ए में 1400 लोग गए, चर्च बी में 2500 लोग गए, चर्च सी में इतने लोग गए, चर्च डी में इतने लोग गए, चर्च ई में इतने लोग गए। ये विजिटर्स गिवन है, और जो विजिटर्स हैं वो आपके मेल विजिटर प्लस फीमेल विजिटर को मिला के विजिटर काउंट किया जाएगा। तो विजिटर में दो चीजें हैं, मेल और फीमेल। एक बार हाँ या ना बोलो, डेटा सबको समझ में आ गया तो जल्दी से हरी अप। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल लग रहा है। देखिए डेटा देख के ऐसा लग रहा है कि ये तो कुछ है ही नहीं यार, ये तो बहुत सिंपल डीआई है। डेटा देख के मुझे ऐसा लगा और आपको भी ऐसी लग रहा होगा सर कुछ है ही नहीं कि चर्च ए बी सी डी ई ये गिवन है, विजिटर्स गिवन है, मेल प्लस फीमेल। अब मैं आपको दूंगा मात्र और मात्र 50 सेकेंड्स का टाइम, 50 सेकेंड का टाइम दे देता हूं, और 50 सेकंड में आपको क्वेश्चंस का आंसर पोल पे करना है, कहीं नहीं करना है। यू हैव टू सॉल्व द आंसर्स इन पोल। ठीक है दोस्त, तो शुरू किया जाए। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और आपका समय शुरू होता है अब क्वेश्चन देख के मत घबरा जाना कि लैंग्वेज इतनी सारी अजीब सी लैंग्वेज क्यों लिखी गई है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर, ये देखिए। चलो देखिए, तो 50 सेकंड मैंने दे दिया। पोल पे आंसर कीजिए, ऐसे नहीं बेटा, पोल पे। पोल आपके सामने आ चुका है। सो गाइस टाइप ऑन पोल ओनली, पोल पे आंसर कीजिए। देखिए क्या कहना चाह रहा है, फिर वही बात है, कुछ बच्चे को समझ में आ रहा है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बच्चों को टिपिकल लग रहा है, लेकिन 55% लोगों ने आंसर सही दिया है पोल पे आंसर करने से। देखिए रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल और फीमेल विजिटिंग चर्च बी 4:1। तो भाई साहब चर्च बी में कितने लोग हैं, चर्च बी में गए 2500 लोग, ठीक है। उसके बाद रेशियो ऑफ मेल फीमेल चर्च ई, चर्च ई में कितने लोग गए, चर्च ई में गए 1600 लोग। अब आपको निकालना क्या है, डिफरेंस बिटवीन मेल विजिटिंग चर्च बी। तो यहां पर कितने आदमी थे भाई, मेल और फीमेल, तो यहां पर आदमी हो गए 4/5, क्योंकि 4:1 का रेशियो है, तो आदमी हो गए 4 पूरे कितने 5 में से, तो 5 से मैंने काटा 5 बार, तो आदमी हो गए 2000। यहां पर क्या निकालना है, फीमेल विजिटिंग चर्च ई, औरतें कितनी है 3/4, 3/4, 4 से मैंने काटा 400, तो 4×3 1200। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा भाई साहब, हाउस दैट। कैसा लगा पहला सवाल, यानी पहला सवाल हमने जो देखा उसमें एक चीज नोटिस करी कि क्वेश्चन बहुत टिपिकल नहीं होता है, लेकिन ऐसा दिखाया जाता है कि टफ है। आप 4 लाइनों देख के आपका दिमाग घूमेगा, एग्री और नॉट। जब आपने पहले शुरू किया होगा दिमाग घूमा होगा, तो ये क्या आ गया, है ना। तो ऐसा होता है कि डायरेक्ट लाइन के क्वेश्चंस अब आने बंद हो चुके हैं कि 1 लाइन 2 लाइन के स्टेटमेंट होते हैं। अब इस तरह के स्टेटमेंट ज्यादा बनने लगे हैं, जिसमें क्या है लॉजिकल चीजें ज्यादा होती हैं। जब तक बच्चा पढ़ेगा तभी करेगा, बिना पढ़े आप नहीं कर सकते। इस तरह के सवाल के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। अगला सवाल ये देखिए, अगला सवाल अगेन योर टाइम स्टार्ट नाउ। 50 सेकेंड योर आप बनाएंगे, स्टार्ट कीजिए। चलो पोल पे आंसर करेंगे। यस, पोल पे आइए। रेशियो ऑफ मेल फीमेल, ए में 3-2 और सी में 1-1। तो मेल निकालना है 2 चर्चों का। तो भाई साहब ए में कितने आदमी है? देखो ए के आपको मेल निकालने, तो आप कैसे निकालोगे? 1400 है टोटल, मेल कितने हो जाएंगे? ये रहे 3-2 का रेशियो है, तो मेल हो गए 3/5। ठीक है, और सी के भी आपको मेल निकालने, तो सी में कितने आदमी है? 2100। सॉल्व मत करो और मेल हो जाएगा 1/2। इनका रेशियो निकालना है, तो आप कुछ बच्चे क्या करते हैं? सोल्व करते हैं, जबकि रेशियो का सवाल है। तो क्या करेंगे? 1400 इंटू 3/5 रेशियो 2100 1/2। आप कोशिश करिए बेटा काटने की, मैं हमेशा बोलता हूं सॉल्व मत कीजिए। 0 से 0 कटा, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 से 3 कटा। अब देखिए क्या करेंगे? 2 दूनी 4 रेशियो 5। हाउज दैट? कभी भी आप ऐसे मत करना कि इसको पूरा सॉल्व कर रहे हो उसको पूरा, वो बेकार का मेथड होता है। जब भी रेशियो का सवाल है तो सिंप्लीफाई मत करिए, यहां पर इसे काटने की कोशिश कीजिए। डन? एक बार हाँ या ना बोलो यार। अगर मजा आ रहा है तो दिल खोल के लाइक कर दीजिए वीडियो को। 2600 बच्चे देख रहे हैं इस समय, तो लाइक क्या करने, अंकल जी आएंगे या ताऊ जी आएंगे, लाइक करो फटाफट, शेयर करो। 1400 लोग, 2600 लोग देख रहे हैं, 1400 26 के 2600 फटाफट से लाइक। तीसरा सवाल अगेन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, चलिए बनाइए, बहुत प्यारा सवाल है। इसके बाद एक टफ डीआई और रखूंगा, चिंता मत करो। और सारे बच्चे पोल पे आंसर नहीं कर पा रहे, मैं देख रहा हूं, क्यों भाई? बनाओ बनाओ, शाबाश। अच्छा, कितना टाइम ले रहे हो? देखो, 70% विजिटर चर्च ई वर मेल, तो नंबर ऑफ फीमेल विजिटिंग चर्च ई वाज व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ फीमेल ऑल। देखिए थोड़ा सा क्या है, लेंथी है। एक बात बताओ, अगर 70% आदमी तो औरत कितने हुए? 30%, तो चर्च ई ये रहा। तो 1600 का 30% कितना होता है? तो 30% 16 3 जा 48, तो ये हो गए औरतें। तो 480 कितना प्रतिशत है? नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग पांचों चर्च में 1400 और 2500 और 2100, तो 4 और 1 14 और 1 15, इसको जोड़ते हुए चलो 14 और लो ऐसे जोड़ लो 25 21 18 और 16, लो जोड़ लो। तो 8 6 14 5 19 और 1 20 और 4 24 का 4 कैरी 2 2 4 5, तो 7 8 और 1 9, तो 94 हो गया। हाँ ना बोलो? अब बोल रहे कि 480 कितना परसेंट है? 9400 इंटू में 100, तो 20 से 20 कट गई, तो 480 को 94 से डिवाइड करना है। तो गाइस थोड़ा ध्यान दीजिएगा कितनी बार जाएगा, लमसम 5%। भाई 94 का आधा 475 से थोड़ा ज्यादा होगा। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। दिस इज द आंसर। एक बार कमेंट सेक्शन पे जवाब दीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत खूब। अगला सवाल, चौथा सवाल, ये देखिए, बनाइए या इस वाले को करो, चलो इस वाले को करो। चौथा ये वाला सवाल आपको घर के लिए दे, ऐसे ट्राई कर लो, फिर कहोगे सर ने ये नहीं कराया। चलो आ जाओ बेटा, पोल पे मैं देख रहा हूं 1100-1200 लोग ही आंसर कर रहे हैं, ऐसा क्यों? पोल पे सारे लोग क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं? थोड़ा सा लेंथी होगा बस ये क्वेश्चन, मैंने कहा ना लेंथी और कुछ नहीं है, बस आ जाओ। लेंथी क्वेश्चन है कि 2019 में इंक्रीज हो गया 15, 17, 12 चर्च CDE, तो व्हाट वुड बी द विजिटर इन दीज थ्री चर्च कंबाइंड इन 2019। तो ये नवंबर का डेटा था हमारे पास। देखो आपने शुरू में पढ़ा होगा कि हमारे पास नवंबर का डेटा था, तो आपने कहा C, आपने कहा D और आपने कहा E। तो भाई साहब C में कितने लोग हैं? 2100 लोग हैं। अच्छा, D में कितने लोग हैं? आपने कहा 1800 लोग हैं। और E में कितने लोग हैं? आपने कहा 1600। बस लेंथी और कुछ नहीं है। तो ये चीज कितनी बढ़ गई? 15%। ये चीज कितनी बढ़ गई? 7%। ये कितनी बढ़ गई? 12%। बस कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। आप बताओ, सिर्फ कैलकुलेशन है। तो 15% बढ़ गई। क्या करोगे? 10% होता है 210, है ना? 10% हुआ 210, 5% इसी का आधा 105, तो 315 बढ़ गया। तो आपने कहा 315 बढ़ गया, 21 और 3 2415। बस कैलकुलेशन है। 7% 18 7 जा 126 बढ़ गया, तो 18 और 1 1926। देखो, तो एग्जाम में आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि इस बार बच्चों ने कहा सर SBI क्लर्क में भी जो DI थी वो थोड़ी लेंथी आई थी, तो मैं यही मान के चल रहा हूं कि PO में भी लेंथी आ सकती है, क्योंकि PO का पेपर है। 12%, तो 10 16 160 16 दूनी 32 192 बढ़ गया, तो 16 और 1 17 92। अब इसको जोड़ लो बस। 6 5 11 और 2 13, 9 2 11 और 1 12 और 1 13, 4 9 13 और 7 20 और 1 21, 2 4 6, तो 6 1 3 3। ऑप्शन अवेलेबल है ये रहा। तो आपने क्या देखा? मैं क्यों आपको बोल रहा था घर से करने के लिए? क्योंकि आपने देखा कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था और कुछ भी नहीं था, लेकिन DI बहुत खूबसूरत थी। ये वाली बहुत मजेदार DI थी और ऐसी एक्सपेक्टेड मेरे को लगता है कि एग्जाम में आ सकती है। मैं 13 दिनों में हर लेवल की DI करा दूंगा आपको। कोई भी लेवल ऐसा नहीं होगा जो आप यहाँ यूट्यूब पे मेरे साथ ना करो। बस मुझे आपसे एक ही चीज चाहिए, क्या? ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर और ज्यादा से ज्यादा इसको आप देखने आओ। बस मेरी आपसे और कोई डिमांड नहीं है, ठीक है? और कुछ भी नहीं है। डेली आओ, डेली पढ़ो लाइव, कोई रिकॉर्डेड मत देखो। मैं जल्दी ऐसा करने वाला हूं कि रिकॉर्डेड बंद करने वाला हूं। जो बच्चा आएगा लाइव देखेगा, रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी आपको। तो लाइव ही आना है आपको डेली 10 बजे। लास्ट क्वेश्चन आई एम गिविंग फॉर द होमवर्क। ये हो जाएगा मेरे हिसाब से, मैं इसको एंटरटेन नहीं कर रहा हूं। दिस क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे और बाकायदा इसका जवाब जब ये वीडियो ऑफलाइन हो जाएगी कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है। अभी मत पोस्ट करना, जब ये वीडियो ऑफलाइन हो जाएगी तो वहां पर जाके, मुझे 2700 बच्चे इस समय देख रहे हैं, ये 2700 कमेंट्स अगर कल नहीं मिले तो बेटा फिर मत एग्जाम देने जाओ, ठीक? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना, वेरीफाई करना कि कितने लोगों ने इसका आंसर दिया है। ये ऑप्शंस हैं, ठीक है बॉस? चलो, ये क्वेश्चन आपका हुआ होमवर्क के लिए। तो पहली DI हमारी हुई समाप्त। कैसी लगी DI? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। कोई बोल ही नहीं रहा है। कैसी लगी DI? बोलो, बढ़िया लगी, मजेदार थी? ठीक है, कमेंट सेक्शन में जवाब चाहिए मुझे इसका। यहां पे मत करना। अगली DI देखिए, देख के लग रहा हो सर कुछ भी नहीं है, तो क्या है? आसान है। गिवन टेबल विजिबल है कि नहीं है पहले तो ये देखो, कहीं फॉन्ट मिस रहे हो, एक बार चेक कर लो। मैं दिखा देता हूं, लो अब थोड़ा विजिबिलिटी ज्यादा होगी कि गिवन टेबल में रेशियो गिवन है। जो लोग मूवी टिकट क्या करते हैं, खरीदते हैं, A और B, दो सिनेमा है हमारे, सिनेमा A सिनेमा B, है ना? तो दो सिनेमा है A और B, उसमें जो टिकट खरीदे या बेचे गए A और B ने, 5-4 का रेशियो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, कुछ है ही नहीं सर। मतलब डेटा देख के ऐसा फील हो रहा है यार ये तो लड्डू है ना? डेटा देख के ऐसा ही फील हो रहा होगा, अरे लड्डू है लड्डू है लड्डू। अब मैं एकदम से समोसा दे दूंगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डेटा देख के लग रहा होगा कि बहुत ही लड्डू है सर, ये तो कुछ है ही नहीं। चलिए, कुछ नहीं है तो सवालों की तरफ चलते हैं। ये देखिए पहला सवाल देख के अब घबरा मत जाना, इतना बड़ा सवाल। चलिए आइए, लेट्स सी गाइस कि नंबर ऑफ मूवी टिकट सोल्ड बाय बोथ सिनेमा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इज इक्वल रेशियो ऑफ मूवी टिकट सोल्ड बाय सिनेमा बी ऑन बोथ डे। मतलब क्या किया, जिसकी इंस्ट्रक्शन इजी है उसके क्वेश्चन थोड़े से घुमावदार हैं, बस थोड़े से, ज्यादा नहीं बेटा, थोड़े से घुमावदार हैं। बहुत इजी है, वैसे मेरे हिसाब से आसान है। चलो इट्स कम टू द सॉल्यूशन। आइए सॉल्यूशन की तरफ आते हैं और सॉल्यूशन को देखते हैं कि सॉल्यूशन में इसका जवाब कितने लोगों ने दिया है, कितने लोगों को समझ में ही नहीं आया कि नंबर ऑफ मूवी टिकट सोल्ड बाय बोथ सिनेमा मंडे एंड वेडनेसडे इक्वल। तो मान लीजिए कि मंडे को भी एक्स लोगों ने सिनेमा देखा और वेडनेसडे को भी एक्स लोगों ने सिनेमा देखा। ये तो गिवन है आपको कि भाई टोटल मंडे को जो बेचे गए टिकट थे वेडनेसडे को बराबर है। तो रेशियो बोल रहा है मूवी टिकट बाय बी ऑन बोथ डे, दोनों के बोथ बी निकालने। टोटल नंबर ऑफ मूवी टिकट सोल्ड बाय सिनेमा ए ऑन दिस डे, यानी कि अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले मंडे की बात करता हूं तो आप कैसे करोगे भाई? देखो तो मूवी टिकट सोल्ड बाय बी ऑन बोथ डे, तो बी ऑन मंडे निकालो। पहले बी मंडे कर लेते हैं, फिर बी वेडनेसडे करेंगे, है ना? तो बी मंडे कितना हो जाएगा? एक्स हमारे पास में है, मंडे को बी 4/9 दिस इज प्लस एक्स, यही कर लेता हूं डायरेक्टली, है ना? पहले क्यों इतने स्टेप बनाने? बी यहां पे लिख दे रहा हूं मंडे और वेडनेसडे, ठीक है? ध्यान देना एक्स टिकट हमने यहां पे भी एक्स है, तो मंडे को बी निकालना है 4/9, वेडनेसडे को निकालना है 6/11। अब सॉल्व तो कर नहीं सकते। अच्छा ए ऑन निकालना है बोथ डे, ए को भी निकालो मंडे और वेडनेसडे, तो ये भी सेम एक्स 5/9 प्लस एक्स 5/11 सी। अब मुझे क्या करना है? हाँ, मुझे क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है। बहुत ध्यान से देखना, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो मैंने क्या कहा, ये 4/9 हो गया वेडनेसडे, अरे ये उल्टा ले लिया हमने, ये 5/11 होगा और ये है ना, तो 6/11 होगा। गुस्सा करने वाली। अब x और x, अब देखो यहीं पर सॉल्व करना था, तो ये 9 और 9 99 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 44x प्लस 9 पंजे 45x, तो ये हो गया 89x। डन। अब नीचे वाला देखो 99 हो जाएगा, 11 पंजे 55 और 9 6 54, तो 5 और 5 10, 5 4 9, 109x। तो दोनों का रेशियो निकालोगे 89 रेशियो 109। ऑप्शन अवेलेबल है? नहीं है। तो दिस इज माय आंसर। कैसा लगा क्वेश्चन? मजा आया कि नहीं? दिल खुश हुआ? जो 3 4 4 5 आंसर करने वाले बच्चे थे वो कहां गए? हाउस दैट यार, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि सर ये ऑप्शंस के बिना था। दिस इज माय आंसर। मैं फिर कह रहा हूं कि लेवल जो है बहुत अल्टीमेट लेवल रखा है, ढूंढ ढूंढ के लाया जाता है आपके लिए लेवल। हालांकि दोनों बराबर थे तो आपने एक्स मान लिया, कुछ भी मान सकते थे यार, वो तो बस एक्स एक जरिया है कि आप 99 भी मान सकते थे। कैसे? कि भाई 5 और 4 9 है, 6 और 5 11 है, तो दोनों का मल्टीपल यहाँ भी 99, यहाँ भी 99, वो ज्यादा आसान हो जाता कि 99 में मतलब, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 5 4 9, तो 9 को 99 में बांटेंगे तो 11 55 और ये 44। यहाँ पे 11 से 9, 9 6 54, 9 पंजे 45। बेस्ट। तो 5 4 9, 4 4 8, 5 4 9 एक। ये देखो तो अगर बी पहले बोल रहा है तो ये डायरेक्टली था कि अगर आप एलसीएम लेके करोगे तो डायरेक्टली हो जाएगा और बेसिक से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या था कि आप एलसीएम ले लेते कि 9 11 99 को मैंने इसमें बांट लिया तो 55 44, इस पे बांट लिया तो बी पहले पूछ रहा है तो 5 4 9 89 109 आंसर। तो अगर आप ऐसे करोगे तो ज्यादा ईजी होगा, ऐसे करोगे स्लाइटली टाइम ज्यादा लगेगा। टोटल हमने 99 को मान लिया। क्यों माना? क्योंकि 9 और 11 सब मिल रहा था जो कि एलसीएम 99 बनाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल। ऑप्शन नहीं दे रहा हूं जानबूझ के, ये देखिए ऑप्शन नहीं दे रहा हूं ताकि आपको तुक्का मारने में आसानी ना हो। ठीक है, चलो मंगलवार को मूवी टिकट बी ने जो इतने बेचे तो एवरेज नंबर ऑफ ट्यूसडे बाय बोथ सिनेमा। सिंपल है। चलो बनाओ बनाओ, लाइट ऑफ कर दे रहा हूं, क्लियरिटी दिखेगी। बस एक मुझे प्रॉमिस करके जाओ, डेली क्लास करने आओगे। ऐसे नहीं कि आज आ गए कल नहीं आए, आज आ गए, ऐसे नहीं, डेली क्लास करना है, ठीक है। चलो सर, इजी क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे लोगों ने आंसर किया, मुझे खुशी हो रही है। अच्छी बात यह है कि आप आंसर मतलब बिना ऑप्शन के बना रहे हो एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं कर पा रहा हूं। कि मंगलवार को बी ने इतने बेचे, तो भाई मंगलवार को अगर मैं बात करूं, ट्यूसडे को ए और बी का जो रेशियो है वो कितना है, 8:7। तो बोल रहा है कि मूवी टिकट सोल्ड बाय सिनेमा बी, बी का मतलब 7 की वैल्यू गिवन है 3724, तो 1 की वैल्यू 7×5 = 35, 22, 7×3 = 21, 7×2 = 14, 1 की वैल्यू इतनी आ गई 532। तो बोल रहा है कि एवरेज निकालना है ट्यूसडे को बोथ सिनेमा, इन दोनों का एवरेज बताओ, 8 और 7 = 15/2, मल्टीप्लाई 532 सीधा सीधा, तो 2 से काटा, 2×2 = 4 है ना, 2×6 = 2×6, 15 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 10 गुना कितना हो गया 2660, इसी का आधा कर दो 1330, तो 0, 6, 3, 9, 6, 3, 9, 2 और 1, 3। तो आप देख सकते हो कि जो भी DI आ रही है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं कि हाँ उठाया रख दिया आंसर हो गया, हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हम बिना कैलकुलेशन के आप ये नहीं सोच सकते कि मैं पीओ का एग्जाम पास करने वाला हूं, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी यार, तो लेंथी आएगा पेपर। चलिए तीसरा DI, घबराना मत देख के, मैं फिर कह रहा हूं, चलो घबराना मत देख के, ट्राई मारना, हाथ पैर मारना, हो जाएगा। मकसद मेरा आपको एग्जाम के लिए तैयार करना है कि जिस दिन आप एग्जाम में बैठो तो आप ये ना सोचो कि सर ये क्या चीज आ गई, वहां जाके पारा हाई ना हो जाए आपका, है ना। लेंथी है, बहुत ज्यादा लेंथी है, बस और कुछ भी नहीं है, सिर्फ लेंथी है और कुछ नहीं है। चलो आराम से 1 मिनट लो, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे। कोई हमारी ट्रेन नहीं छूट रही, आराम से करो। हो गया, चलिए मैं करवा देता हूं, इतना टाइम ले गया। मैंने क्या कहा, लेंथी क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है, मैंने आपको जानबूझ के इतना टाइम दिया, ठीक है। चलिए एक पोल मैंने किया है कि आज का लेवल कैसा है, तो बच्चों ने कहा बहुत अच्छा है। टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड संडे, अब संडे है यहां पे देखिए, तो मान लीजिए हमें निकालना क्या है कि वेडनेसडे बाय बोथ सिनेमा, तो वेडनेसडे को मान लो एक्स टिकट बेचते हैं, तो संडे में कितने बेचते हैं, 15,600 में से घटा देंगे, डन। मैंने कहा कि अगर वेडनेसडे को एक्स बेचता हूं तो इस दिन इतना बेचूंगा, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बाय वेडनेसडे में इतना ज्यादा है टिकट सोल्ड बाय बी ऑन संडे, वेडनेसडे ज्यादा है, तो वेडनेसडे को एक्स टिकट बेच रहा हूं, लेकिन कौन से, ए ज्यादा है, तो ए कितना हो गया, ये रहा 6/11, 6/11 माइनस कितना हो जाएगा, संडे को बी 15,600 माइनस एक्स, संडे को बी मतलब ये रहा 6/13, तो ज्यादा कौन था, ये वाला, दिस माइनस दिस 14 कहा गया 40। क्या ये इक्वेशन क्लियर हुई कि नहीं हुई? बस इतना बताओ। मैंने कहा ना अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लेवल है यार। थम्स अप एक बार सारे बच्चे, जल्दी से बोलो फास्ट, मजा आ रहा है तो ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना, देखिए कैसे करेंगे। 6x/11 माइनस इधर 13 है तो 13 से मल्टीप्लाई इसको मैंने किया तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 1200 इंटू 6, 12 6 7200। इधर मल्टीप्लाई किया 6x/13 1440। बस इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करूंगा, माइनस जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 6x/11 प्लस 6x/13, ये माइनस का यहाँ प्लस का हो जाएगा 1440 और 7200। हाउस दैट? एक बार बच्चों से पूछ लेता हूँ भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो मैं फिर से कहूंगा एक बार जरा पूछ लो, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल, थोड़ा लेंथी है, मैंने पहले आपसे कहा था। अब सॉल्व कर लेते हैं। 13 6 78 और 66, 78x और 66 और नीचे कितना हो जाएगा 11 इंटू 13, 143। लेंथ ही और कुछ भी नहीं है, मैंने आपसे कहा था। तो ये हो जाएगा 7200 1440, है ना। तो एग्जाम में बताऊंगा क्या करना है। 4 2 6 7, तो 8640, 8 और 6 14 7 6 13 और 1 14। कौन सा बोल रहे हैं बच्चे? रिपीट रिपीट बेटा कौन सा बोल रहे हो मुझे बताओ, कौन सा पार्ट रिपीट बोल रहे हो? फिर से पढ़ो, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं जो पार्ट आप रिपीट के लिए बोल रहे हो। देखो ध्यान से पढ़ो। टोटल नंबर ऑफ टिकट ऑन वेडनेसडे एंड संडे बाय बोथ सिनेमा 15600। तो मैंने कहा कि वेडनेसडे निकालना था, एक्स मान लिए 15600 में से एक्स घटा देंगे। आप देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा। फिर मैंने क्या कहा कि नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बाय वेडनेसडे ज्यादा है नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बाय बी ऑन संडे। तो देखो एक्स मेरे पास वेडनेसडे में है और ए बोल रहा है तो 6:5 है यानी 6/11। 15600 माइनस एक्स में बी निकालना है तो 6/13। अब मैंने इसको सॉल्व किया बराबर दे रखा। देखिए यहां मल्टीप्लाई 13 से करी, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 1200, 1200 की 6 से करी तो 7200 और ये मल्टीप्लाई इससे करी तो 6/13। बस कैलकुलेशन फास्ट बेस्ट। एक बार हाँ या ना बोलो। तो एक तरीका तो ये था। अब आप कहोगे सर तो बहुत पेचीदा हो रहा है। बिल्कुल पेचीदा हो रहा है। तो कोई शॉर्टकट मेथड है? बिल्कुल है। शॉर्ट मेथड देखिए, अगर मैं कहूं कि वेडनेसडे और संडे, तो मान लीजिए कि वेडनेसडे में एक्स है, संडे में वाई है, तो दिस वी हैव गिवन 15600 फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 x + y 15600। देखिए यही मैं आपको बोलता हूं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस फ्रेमिंग करनी है तो आसान हो जाता है। वेडनेसडे ज्यादा है तो x इंटू कितना 6/11 माइनस y इंटू कितना 6/13। ये देखो दिस वी हैव गिवन 1440 इक्वेशन नंबर 2। तो इट्स वेरी सिंपल नाउ, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हाउस दैट फास्ट? 1 और 2 मुझे x निकालना है तो मैं सिंपली क्या कर लेता हूं, इस वाली इक्वेशन को 6/13 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं पूरे को। तो ऊपर कितना हो जाएगा 6/13 x, 6/13 y, 13 से डिवाइड किया 1 2 7200, 6/11 x माइनस 6/13 y 1440। हाउस दैट? ये कैंसिल हो गया, 6 और 6 इसको जोड़ लेंगे तो वही वाला अप्रोच आ गई फिर से। ये देखो तो जोड़ लो 0 4 4 2 6 7 और 1 8 66 78 8 6 14 7 13 144x सिंपल है। 143x 8640। हाउस दैट? कमेंट फास्ट 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 फास्ट। अरे बोलो भाई। तो यहां से मेरे को क्या करना है, सिंप्लीफाई क्या करना है, x निकालना है। x इज इक्वल टू 8640 इंटू 143/144। तो 12 से काट लो, 12 7 84 और 12 5 60, 12 से 12 बार, फर्दर 12 से काट लो, है ना। तो 12 से कितनी बार जाएगा 12, 12 5 60, जो भी मतलब लमसम आप देख लेना जितना भी आपका आंसर आएगा। डन? थम्स अप एक बार हाँ या ना बोलो। ये आसान लगेगा, ये बहुत पेचीदा लगेगा एक्स वेक्स करके। तो इस तरह की डीआई देखो दो ऑप्शन है, या तो छोड़ दो, लेकिन छोड़ना मुझे फायदेमंद का सौदा कभी नहीं लगता कि छोड़ दिया, लेकिन मैक्स ये थोड़ा इजी रहेगा फिर भी, क्योंकि आपको सिर्फ यहीं पर कैलकुलेशन करनी है। ये वाला प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस सिंपल है, एक बारी में हो रहा है। तो आपने देखा कोई सवाल एक्स और वाई मान के आसान होते हैं, कोई एक्स ही मान के आसान होते हैं। तो मैटर करती है सिर्फ और सिर्फ अप्रोच। डन। कमेंट फास्ट। 8640 है, उल्टा हो गया, 8640 है, सॉरी। तो 12 से इसलिए गड़बड़ हुआ, 12 7 जा 12 6 जा 12 7 जा 84, 12 दूनी 24, 12 से 12, 12 6 जा 72। सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला डीआई ये देखिए बहुत प्यारा है, मेरे हिसाब से ये वाला हो जाएगा। अगर ये भी ना हो तो फिर भाई दिक्कत है। चलो हो जाएगा। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बाय ए ऑन फ्राइडे इज व्हाट परसेंट मोर लेस देन नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बाय बी ऑन दैट डे। यस, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, फास्ट, हरी अप। सबसे आसान सवालों में से है ये, तो ये वाला तो आसान है, इसको मैं होमवर्क डाल दे रहा हूं। अगर ये भी नहीं होगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, फिर दिमाग खराब होने वाला है। सर ये क्या डीआई दे दिया आपने आज। मैंने इसलिए कहा था कि आज का लेवल बहुत ही ज्यादा अच्छा रखा है मैंने, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड रखा है, एग्जाम ओरिएंटेड। मेरा मकसद यही है कि जो बच्चे आ रहे हैं उनका ट्रस्ट बना हुआ है अरुण सर पर, वो ट्रस्ट ब्रेक ना हो, ठीक है। कि आपको ये ना लगे कि सर फ्री में पढ़ा रहे हैं तो शायद कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं। मैं आपसे पहले ही बोलता हूँ कि या तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, अगर पढ़ाता हूँ तो फिर लेवल से कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करता हूँ, सीधी बात है, ठीक। लाइक कर देना। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करोगे या घर के लिए दे दूँ, बताओ। इट्स ट्राई कर लेना, ये भी आसान है, ठीक है। अर्थमेटिक पे चल रहे हैं, टाइम ज्यादा हो रहा है, तो इसको भी होमवर्क डाल दे रहा हूं। ये 3 सवाल होमवर्क के लिए दिए, तीनों सवाल के जवाब आपको कमेंट सेक्शन पे पोस्ट करने हैं। चलो लेट्स कम टू अर्थमेटिक। तो कैसा लगा आज का लेवल, पहले बताओ। डीआई का लेवल कैसा था, कमेंट सेक्शन पे टाइप कीजिए फटाफट से। डीआई का लेवल कैसा था, जबरदस्त, मजेदार, ठीक है। अब लाइक करने के लिए मुझे बोलना चाहिए, आपको खुद ही लाइक कर देना चाहिए, है ना। चलिए लेट्स मूव टू अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के 10 सवाल थोड़े से, मुझे लगता है कि अर्थमेटिक आपको, अब देखो आज का डीआई टफ था तो अर्थमेटिक बहुत टफ नहीं रखा है कि मैंने बहुत ज्यादा टफ, अर्थमेटिक मॉडरेट लेवल का रखा है मैंने, ठीक है। इजी भी नहीं कहूंगा, मॉडरेट लेवल का कहूंगा। चलो तो बिना बोले सेशन को लाइक कर दिया करो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पार्टनरशिप का सवाल है। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, मेरे हिसाब से 1-1 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। चलो मतलब थोड़ा सा मॉडरेट लेवल, इजी भी नहीं कह सकते और टफ भी नहीं कह सकते, यू कैन से मॉडरेट लेवल। चलो कॉल दे रहा हूं। आओ साथियों, कॉल पे आंसर करेंगे। चलिए लाइट ऑन कर दे रहा हूं। आइए, पी और क्यू ने इन्वेस्टमेंट करी। तो भाई साहब एक बात देखो, पी ने कितने पैसे लगाए, तो आपने कहा पी ने लगाए x - 1000, और क्यू ने कितने पैसे लगाए x + 1000। अब बोल के रहा है कि जो पी का इन्वेस्टमेंट का टाइम है वो इतना परसेंट ज्यादा है, इसका फ्रैक्शन फॉर्म होता है 2/9 ज्यादा है क्यू से। मान लीजिए कि क्यू ने अगर 9 महीने पैसा लगाया तो इसने 11 महीने पैसा लगाया, यही तो मतलब हुआ कि भाई 2/9 इसका फ्रैक्शन फॉर्म होता है, ये 9 महीने लगा रहा है तो 11 महीने, तो दोनों का प्रॉफिट बराबर है। तो प्रॉफिट बराबर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x माइनस 1000 x माइनस 1000 की मल्टीप्लाई आप 11 से करते हैं अपॉन x प्लस 1000 की मल्टीप्लाई 9 से, प्रॉफिट बराबर है मतलब रेशियो भी तो बराबर ही होगा 1:1। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9, भाई इसको यहां ले आओ इसको यहां ले, 11x माइनस 11000 9x प्लस 9000, तो भाई साहब इसको यहां लेके आ जाओ 2x 11 और 9 20000 x बराबर 10000, तो x की वैल्यू आ गई 10000। तो बोल रहा है इन्वेस्टमेंट ऑफ क्यू हीरा, तो 10 + 1 आपका आंसर हो गया 11000। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत ज्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट लेवल का डिफिकल्टी था, तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हो जाएंगे फाइन। अगला सवाल क्या है भाई साहब, जो आप देखते हो हर बार एग्जाम में आता है परसेंटेज को लेकर, बनाइए। सैम ने इतना परसेंट किया रेंट पे, इतना रिमेनिंग स्पेंड चिल्ड्रन एजुकेशन, इतना रिमेनिंग ट्रैवलिंग पे, बचे उसके पास इतने, तो सैलरी ऑफ सैम। बहुत प्यारा सवाल है, सक्सेसिव से बना लीजिएगा, जल्दी बनेगा। मान के करोगे तो प्रोसेस विल टेक टाइम यार, मॉडरेट लेवल है, मैंने आपसे कहा बहुत टफ नहीं है, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। हो गया ना सॉल्व, और टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है आपको, मैंने जो देखा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सैम ने इतना पैसा, इसका फ्रैक्शन फॉर्म कितना होता है 2/9, इसका होता है बेटा 1/7, इसका होता है 1/5। थोड़ा लॉजिकली समझेंगे, डायरेक्टली समझेंगे कि मेरे पास मान लीजिए x रुपए था, तो 2/9 मैंने खर्च किया, 9 में से 2 खर्च किया तो कितना बचा 7/9 बचा, जो बचा उसका 20% खर्चा किया तो उसका कितना बचा 4/5, फिर जो बचा उसका 1/7 खर्चा किया तो बचा 6/7, और फाइनल अमाउंट बची 7200। ठीक है, तो 7 से 7 कटा, 6 चौको 24 से 300 हो गया, और ये पूरा कट गया, ये कट गया, 9 पंजे 45, तो x इज इक्वल टू 300 × 45, तो 45 दिया 135, तो आंसर हो जाएगा 13500। बेस्ट। एक बच्ची है कामिनी मिश्रा, बोल रही है फ्रेंड्स कैन वी यूज कैलकुलेटर। कामिनी कैलकुलेटर क्यों, आप चाहो तो अपने घर से रिश्तेदारों से जिसको आपकी मैथ्स अच्छी है उनको भी ले जा सकते हो, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होती वहां पे। वहां पे ऐसा ऑफर भी है कि आप चाहो तो अपने रिश्तेदारों को जिसकी मैथ्स अच्छी हो, इवन अगर आप चाहो तो मुझे भी लेके जा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। कैसे सवाल पूछते हो यार, सर कैन वी यूज कैलकुलेटर, भाई कॉमन सेंस लगाओ यार, एग्जाम देने जा रहे, नौकरी मिल रही है, कोई 10वीं 12वीं की परीक्षाएं थोड़ी ना है। नेक्स्ट अगला सवाल, चलो आ जाओ, बहुत प्यारा सवाल है, लॉजिकल है, अच्छा सवाल है, परसेंटेज एज वेल एज रेशियो वाला कॉन्सेप्ट है, मिल्क वाटर वाला। एक फुल्ली फिल्ड मिक्सचर है वाटर और ऑयल से, मिक्सचर में पानी 40% है, हाउ मच मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन एंड रिप्लेस विथ वाटर सो दैट हाफ वाटर हाफ ऑयल, मतलब परसेंटेज का सवाल है, मतलब ये आपने किया भी होगा। लेट्स ट्राई एवरीवन, उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि सवाल आपने पढ़ा होगा मेरे साथ। इसको बंद कर दे रहा हूं, चलो आराम से, कुछ जल्दबाजी नहीं है, टाइम बहुत है हमारे पास। कुछ बालक ऐसे जो लाइक नहीं करते, उनको 10 बार कहना पड़ता लाइक कर दो लाइक कर दो, उनको लगता है सर हमसे पैसे ले लेंगे लाइक करने के बदले। चलो आ जाओ, इट्स टू एवरीवन। हाँ जी, एक ऐसी समझा रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? मैं थोड़ा कम विजिबल होऊंगा बट क्वेश्चन पूरा विजिबल होगा। देखिए, एक फुल्ली फिल्ड मिक्सचर है वाटर और ऑयल। पहले वाले में वाटर 40% है तो ऑयल कितना हो जाएगा? 60%। 40% और 60%, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। फाइन। कह रहा है कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मस्ट बी ड्रॉन, यहां से कितना निकालूं, कितना पानी मिलाऊं। ध्यान दीजिएगा, तो थोड़ी देर के लिए मैंने क्या कहा कि 2-3 में वो है, मान लीजिए निकाल दिया, निकालने के बाद रेशियो सेम रहता है, निकालने के बाद भी वाटर और ऑयल का जो रेशियो है वो 2:3 है, ठीक है। निकालने के बाद वाटर ऑयल 2-3 रहेगा, फिर आपने क्या मिला दिया? कुछ मिला दिया। तो एक चीज बताओ, समझना प्रैक्टिकली, तो आपने क्या कहा कि वाटर और ऑयल 2 और 3 है, बाद में वाटर और ऑयल हाफ हाफ हो गया, मतलब 1:1। तो क्या मिलाया? रिप्लेस्ड विथ पानी। तो ऑयल को बराबर करेंगे तो दिस मल्टीप्लाइड बाई 3। तो फर्दर आपने सॉल्व किया तो ये 2 और 3 है, ये भी आपका 3 और 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब पानी सेम हो गया। तो कितना मिला रहे हो आप? 1 मिला रहे हो। अरे दोस्त, 2 से 1 मिला रहे हो। ध्यान दीजिएगा, 2 से 3 हुआ ना, 1 मिला रहे हो किस पे? 5 पे नहीं, 1 मिला रहे हो किस पे? इस पूरे 6 पे। क्योंकि देखो, ये तो वो क्वांटिटी है जो आपने निकाल दी। ध्यान देना, 2-3 क्या है? जितना निकाल दिया उतना ही ऐड किया। तो निकाला कितना बेटा? 8 निकाला है, 1 ही ऐड कर रहे होंगे। तो 2 और 3 5, 1 ऐड कर रहे हैं तो 6। 1/6 आप क्या कर रहे हो? निकाल रहे हो या फिर ऐड कर रहे हो। तो 1/6 का मतलब 16 2/3%। ये वाला कॉन्सेप्ट आया नहीं है समझ? फिर देखो, मैंने क्या कहा कि हमारे पास वाटर और ऑयल 2:3 है, बाद में वाटर और ऑयल 3-3 हो गया। ये चीज जो थी वो निकालने के बाद थी, निकालने के बाद थी। और ये चीज कब है? ऐड करने के बाद। और जितना निकाला उतना ही ऐड किया, है ना? पर जितना निकाल रहे हो उतना ही ऐड कर रहे हो। तो प्रैक्टिकली देखो, निकाल कितना रहे हो? 2 में से 3 हो गया, 1 निकाल रहे हो। यहां पर कितना है? 5 5 कब है? जब निकाल दिया, कितना निकाल दिया? 1। उस 1 को और जोड़ दो तो कितना हो गया? 6। तो यानी 1/6 भाग आप निकाल रहे हो और उतना ही आप ऐड कर रहे हो। तो 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%। तो बहुत प्यारा सवाल था। आई होप कि मजेदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा। अरे बोलो भाई, बोलो 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 यार, यस कम ऑन। चलिए, नहीं समझ में आया तो आप मेरा बेसिक लेक्चर जाके जरूर देखिएगा एक बार, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर बहुत 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 प्यारा है। चलो, तो बहुत प्यारा सवाल है, लेट्स ट्राई। यस कम ऑन इंडिया। हो गया क्या? तो हो जाना चाहिए यार। एक मिनट देखो, मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि आप जब मेरे साथ डेली पढ़ने आ रहे हो तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। कुछ सीखो ना सीखो लेकिन क्वेश्चन जरूर अच्छा सीख लोगे। लेवल मैंने अच्छे रखे हैं, मतलब ऐसा नहीं रखा है कि हाँ यार फ्री में पढ़ा रहा हूं तो चलो भाई लेवल से कॉम्प्रोमाइज कर लो, है ना, ऐसा नहीं रखा है बिल्कुल भी। सोच ये है कि भाई लेवल अच्छा दिया जाए। आ जाओ 685। अब पहले आप कुछ मत कीजिए, देखिए सवाल करने से पहले ज्यादा जरूरी है सवाल को समझना। अगर हम सवाल की गहराई तक जा पा रहे हैं तो हम नाप पाएंगे कि यार ये लेवल हम कर पाए या छोड़ पाए। लेट्स रीड मेरे साथ। एक बेईमान दुकानदार है, 800 ग्राम 1 किलो के बदले वो दे रहा है। चावल में 25% का प्रॉफिट कमा रहा है। उसके बाद अगर वो चावल 20 रुपए kg बेचता है, टोटल 60 किलो चावल एक दिन में बेचता है, तो प्रॉफिट एक दिन में कितना हुआ? मेरे प्यारे साथियों, हमें सबसे पहले तो ये नहीं पता कि हमें प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल सीपी कितना हो रहा है और टोटल एसपी कितना हो रहा है। अगर मुझे यह पता चल गया तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा। टोटल सीपी मैं निकाल सकता हूं क्योंकि सेलर ने खरीदा चावल 20 रुपए किलो के हिसाब से, है ना, तो सीपी हो गया 20 रुपए किलो के हिसाब से। 60 किलो चावल 1200 रुपए का। डन, सीधा गेम था यार, इट्स नॉट कंफ्यूजिंग। सीधा क्वेश्चन कि 20 रुपए किलो चावल मैंने खरीदा, 60 किलो खरीदा, 1200 रुपए का। अब मुझे ये नहीं पता, भाई बेच तो मैं 60 किलो ही रहा हूं, लेकिन सर मुझे ये नहीं पता कि मैं चावल कितने रुपए किलो बेच रहा हूं, ये मुझे शायद नहीं पता। अगर बस मुझे यही पता चल जाए कि मैं चावल कितने रुपए किलो बेच रहा हूं तो मेरा काम हो जाएगा। अब देखिए, पहले मुझे यह पता करना है कि मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है। 800 ग्राम 1 किलो के बदले, यहां से भी एक प्रॉफिट हुआ। 800 ग्राम 1000 ग्राम के बदले, तो यहां से कितना प्रॉफिट हुआ? 200 ग्राम का। किस पे काउंट होता है? छोटे नंबर पे। तो आपने कहा कि यहां से प्रॉफिट हुआ 25%, हाँ या ना बोलो। और 25% प्रॉफिट इधर से हो रहा है, तो इधर से 25% हो रहा है, तो दो प्रॉफिट हो गए। 25 और 25 दोनों को मैंने मर्ज कर दिया सक्सेसिव से। तो मैं ये निकालना चाह रहा हूं कि प्रॉफिट ओवरऑल हो कितना रहा है। तो प्रॉफिट ओवरऑल हुआ 56.25% का प्रॉफिट हुआ। सीधा गेम है, हाँ ना बोलो। जो प्रॉफिट एक्चुअल में उसको हो रहा है, भाई एक तो चीटिंग करके हो रहा है 25 का, एक 25 उसको वैसे हो रहा है, तो 56% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मुझे एसपी की भी जरूरत नहीं है, तो सीधे मैं क्या करता हूं, 1200 का 56.25% निकाल लेता हूं। और आप भी जानते हो 56.25% का मतलब 9/16, तो 4 से 3 बार, 4 से 4 बार, 4 से 75, 75 का 9 गुना, 9 पंजे 45, 9 7 जा 63 और 4 67। दिस इज माई खूबसूरत आंसर। कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसे क्वेश्चन नहीं होते। भाई किसने कहा है, किसने कहा है कि नहीं होते यार? होते हैं, बस थोड़ा सोचिए तो सही। मैंने क्या कहा कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। मोटिवेशन के लिए मैं ये कहूँगा कि जीवन में मैं हमेशा अपनी बात करता हूँ कि मैंने अपने जीवन से ही सीखा है। किताबी बातें कुछ हद तक अच्छी होती हैं, लेकिन असल मायने में हमारा जीवन ही हमारा सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत होता है। मैं आपसे भी कहूँगा, आप जब भी डिमोटिवेट होने लगे ना अपने जीवन में, तो आप कुछ मत कीजिए, अपने घर वालों को देखिए। आप थोड़ी देर के लिए बस ये सोचिए कि आपके माँ बाप, आपके घर वालों ने जो आपके लिए किया, बदले में आप उन्हें क्या दे रहे? छोटी सी बात है, सही बात है। अगर किसी की परिवार में फाइनेंशियल क्राइसिस है, कोई परिवार गरीब है, तो मुद्दा ये नहीं है कि वो गरीब है, मुद्दा ये है कि क्या उसको सही नहीं किया जा सकता। तो आपको महसूस होगा, बिल्कुल सर प्रॉब्लम, अगर गिनवाने लगो तो इतनी सारी समस्याएं हैं। हर किसी के जीवन में समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा है उसके पास समस्या नहीं है। समस्या सबके पास होती है, बस होता क्या है, देखने का नजरिया। आज आपको अपनी समस्याएं ज्यादा लगती हैं, दूसरे की कम लगती हैं, हो सकता है दूसरे की आपसे भी ज्यादा हो। तो बॉस, आप अपने जीवन को बेहतर अच्छे से जान सकते हैं। मैं इसलिए बार बार बोलता हूं, कुछ बच्चे पूछते हैं दूसरे बच्चों से, अरे तुम्हारा सिलेक्शन कैसे हुआ, हमें बताओ। अरे उसका सिलेक्शन, मान लीजिए आप मुझसे पूछो कि अरुण सर आपने एग्जाम कैसे क्वालिफाई किया, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, तो मान लीजिए मैं कहूंगा कि मैंने एग्जाम कैसे क्वालिफाई किया, मैं बताता हूं। जब मैंने एग्जाम दिया मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी, मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी थी, आरआरबी पीओ के लिए 2 सब्जेक्ट अच्छे थे, मेरी हिंदी बहुत अच्छी थी, मैंने हिंदी में पेपर दिया, अंग्रेजी मैंने दिया ही नहीं, मेरा हो गया। अब आप बताओ आप क्या कर लोगे। तो कहने का मतलब है किसी भी बच्चे से, कुछ बच्चों में देखता हूं फेसबुक पे एक बच्चा लिखता है आई हैव सिलेक्टेड एंड थैंक्स टू दिस पर्सन, लेट्स से थैंक्स टू अरुण सर मेरा सिलेक्शन हो गया, या थैंक्स टू टीम एबीपी। उसके नीचे हजारों कमेंट, भाई तूने कहां से पढ़ा, भाई तेरा क्या हुआ, तूने कौन सा बैंक ज्वाइन किया, तूने मेंस कहां से पढ़ा, तूने जी, अरे यार उसने फिर वही चीज है। इतनी बात भेजे में कभी समझ में नहीं आती है कि मैं हो सकता है मैंने एग्जाम निकाला, मेरा अंग्रेजी बहुत अच्छा है, अब तुम्हारा अंग्रेजी नहीं है क्या कर लोगे। थोड़ी देर के लिए सोचो। एक बच्चा, आपने पूछा आपने किससे पढ़ा, मैंने कहा मैंने तो किसी से नहीं पढ़ा, मेरा सिलेक्शन हो गया। तो कुछ बच्चे कहेंगे हम भी ऐसी करेंगे। वो भेड़ चाल इंडिया में बहुत ज्यादा है, क्या करें, आजकल जमाना ही ऐसा है ना, जो दिखता है वही बिकता है। कुछ लोग बताते हैं कि मैंने ऐसे पास किया एग्जाम, अरे भाई तूने एग्जाम पास ऐसे किया तो जरूर होना है कि वो भी ऐसे पास कर लेगा गलत तो नहीं कह रहा हूं ना, बताओ। तो ये कभी कभी मतलब ये जो बच्चे ऐसे करते हैं ना, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है जो ऐसे फॉलो करते हैं आग बंद करके कि जानिए मैंने एग्जाम ऐसे पास किया आप भी ऐसे कीजिए। अरे कैसे कर लोगे यार, भाई उसका दिमाग अलग है, मेरा अलग है, उसका अलग है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन। ट्रेन एक अच्छा सवाल है, लेट्स ट्राई। ट्रेन, बैठिए ट्रेन में, चलिए, टिकट ले लिया है आपने, मेरे साथ बनाइए इसको। और अभी मैंने इतनी बात करी है लेकिन फिर भी किसी बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, वो फिर पूछने लग जाएगा . 240 मीटर की ट्रेन है, उसकी स्पीड दे रखी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, एक लंबे प्लेटफॉर्म को T सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म को पार किया तो S इज इक्वल टू ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई T, तो 80 है मल्टीप्लाई 5/18 से कर लो। ट्रेन की लंबाई कितनी है 240 और 280, समय लिया 12.6 प्लस T। हाउस दैट, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो मेरे दोस्त 80 × 5/18, 8×4 12, 2×2 4, 520, ठीक है। अब यहां से आपने इसको सॉल्व करना, जो ना समझ में पूछते रहना भाई। 0 से 0 काटा, 4 से मैंने काटा 13 बार, 4 दूनी 8, 2 से मैंने काटा 9, 13 9 जा 117 और 5 से डिवाइड कर दिया 12.6 प्लस T, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 17, 5 तिया 15, 5 चौको 20, तो 23.4। छोटे बड़े हो गया क्या, नहीं सही है। तो 23.4 और 12.6, 14 में से 6 गया 8, 0 10.8। तो बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द टनल निकाल दोगे, एक बार हाँ या ना बोलो पहले फास्ट, इतना बोलो भाई फटाफट से, एक बार हाँ या ना बोलो सर फास्ट। कुछ गड़बड़ कर दिया मेरे को लगता है, टी की वैल्यू कुछ गलत आ रही है शायद, हाँ टी गलत कर दिया हमने शायद ना, नहीं सही है वैसे तो यार, टी तो सही है हमारा। सही है, टी हमारा सही है। टी हमारा ये आ रहा ना, एक बार चेक करो 12.6। अरे सॉरी उल्टा हो गया, मैं बताता हूं सही कि आपने किसी ने ध्यान नहीं दिया, मैंने गलत कर दिया, वही ये जल्दी में गलती हो जाती है। ये एक्चुअल में था ही नहीं ना, ये तो हमारा टी गिवन था मेरे भाई, इसको छोटा टी मान लो। तो ये सॉल्व करके टी आ रहा है 23.4। वही तो एक बच्चा कमेंट में लिख रहा था सर गलत कर दिया आपने, वो टी जो है ना वो पास ट्रेन किया टी सेकंड में, तो ये बेसिकली टी आ रहा है, टी आ रहा है हमारे पास। तो अब टनल को पास किया, टनल को पास किया, टनल का मतलब एस इज इक्वल टू वही रहेगा सेम 80 5/18। ट्रेन की लंबाई 240 से टनल की लंबाई निकालनी है, टी कर दो और 23.4 ये हो गया, इसमें जोड़ दो 6 4 10 3 2 5 6 2 1 3 36 सेकेंड। लो तो 18 से 2 बार 5 दूनी 10 यानी 800 माइनस 240 तो ये हो जाएगा 60, 7 में से 2 गया 560 ये रहा। चलो क्यों गुस्सा कर रहे हो यार, गुस्सा करने वाली बात ही नहीं है इसमें, वो ओनली टी होगा, मेरे दिमाग में वो टी आ गया था। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार हाँ ना बोलो। लेवल कैसा है आपका, मैं लेवल की बात पूछ रहा हूँ कि लेवल ऐसा तो नहीं लग रहा कि हाँ बहुत ईजी लेवल है, ऐसा नहीं लग रहा होगा है ना। चलिए अगला सवाल आपके सामने, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बच्चों को कंफ्यूज बहुत करती है, मैंने इसलिए रखा है कि अगर आ जाए तो कोई बच्चा ये नहीं कहेगा अरुण सर प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ी नहीं है। रेशियो ग्रीन रेड और व्हाइट दे रखा है आपको, 2 बॉल निकाली जाती है एग्जैक्टली, एक रेड होगी एक व्हाइट होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/7 है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है फिर से। देखिए मतलब लेवल अच्छा है यार, पीओ लेवल का ही रखा है मैंने, ऐसा नहीं रखा है कि हाँ यार आप लड्डू लेवल के साथ मेरे साथ खेल लो। चलो लाइट ऑफ कर दिए तो क्लैरिटी भी होगी थोड़ा सा। दस बजे आ जाया करो, 10 बजे के बाद में एंटरटेन नहीं करूंगा किसी को। पीडीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, maths by arunsa.com मिल जाएगी, आ जाओ। तो आपने क्या कहा, ग्रीन 3x है, आपने कहा रेड 4x है, तो बॉल कितनी हो गई 12x हो गई। सवाल पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी आपकी एक रेड की प्रोबेबिलिटी 4x में से 1 निकाली इनटू अगली बॉल व्हाइट 5x में से 1 निकाली नीचे 12x में से 2 निकाली, दिस वी हैव गिवन प्रोबेबिलिटी 2/7। यहां से x निकाल दूंगा, x निकाल दूंगा, आइए 4xC1 4x हो जाएगा, दिस इज 5x हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 12x और एक और माइनस करना पड़ेगा 12x - 1, ठीक है 12xC2 ना, तो फैक्टोरियल 12 12 और ये 2 ऊपर चला जाएगा ना और 2/7, तो 1x 1x कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसको फर्दर सॉल्व करूंगा x और ये 7 चको 28 5 140 x हो जाएगा, 12 × 12 अंदर जाएगा 12 12 144 x -12 यहां ले आओ 4x = 12 x = 3 आ गया, तो x की वैल्यू 3 आ गई। नाउ जैसे x 3 आ गया तो ग्रीन बॉल है आपके पास 9, 4 3 12 5 3 15, तो बेसिकली ये हो गई 36 गेंदे। अब क्या पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रेड बॉल्स व्हेन 2 बॉल्स आर ड्रॉन, तो रेड कितनी है 12, तो 12 में से 2 और नीचे नहीं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, उल्टा हो गया सॉरी, नहीं क्या कह रहा है रेड, हाँ ठीक है 12 में से 2 और 36 में से 2, सही तो है, रेड निकाल लिया ना, तो 12 × 11 36 × 35, तो 12 से 3 बार तो 11/35 105। अगला सवाल बूट एंड स्ट्रीम बनाइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। हो गया सबका। देखिए, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड 13x और करंट कितना है 3x, तो डाउन स्ट्रीम 16x, अप स्ट्रीम 10x। नाउ 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है 72 मिनट में। 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम 10x है, 72 मिनट का मतलब यही तो होता है। तो ये कटा 3 बार, 3 से काटा मैंने 24 बार, 24 से काटा मैंने 2.5, तो x की वैल्यू आ गई 2.5। तो बोल रहा टाइम टेकन बोट 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब 16 × 2.5, 5/2 ऊपर। सॉल्व कर लेना, 5 से 12, 4 3 12, 4 4 16, 3 दूनी 6/4, 1.5 घंटा। बेस्ट। चलो तो आज के लिए इतना ही। सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका Q1 Q2 कल कराऊंगा, ठीक है। चलो, मजेदार क्लास हुई आज की, मजा आया। चलो, थैंक यू सो मच, नमस्ते। मुलाकात फिर कल होगी आप लोगों से। कल मैं प्लान कर रहा हूं कि स्पेशल लगाऊंगा 11:30 के अराउंड, जहां पर मैं आपको क्या कराऊंगा, टॉपिक वाइज अरिथमेटिक, ठीक है। 11:30 बजे से कल आपको टॉपिक वाइज अरिथमेटिक पढ़ाऊंगा मैं स्पेशल पर। Thank you so much. Goodbye. Jai Hind, साथियों. Are you preparing for banking exam? Quant Easy one-stop solution can help you for prepare all banking exams like SBI, IBPS, LIC, RBI, NABARD, etc. It provides you ebook, free PDF, test series, quizzes, exam information, all in one platform. Then why wait? Download now. Available on Google Play Store.